हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। सवाल वही पुराना, कई बार समस्याएं जो है व्यूअर को आती हैं और वो सवाल भी पूछते हैं, तो उन सवालों का जवाब भी मैं देता हूं। और ये वही पुराना सवाल है कि ये बताइए सर कि मैं जब भी स्टॉक आइटम बना रहा हूं और स्टॉक आइटम को बनाने के बाद हम जैसे ही उसकी एंट्री पास कर रहे हैं तो पॉइंट में, जैसे मान लीजिए कि राइस है, तो राइस को अगर हम 5.5 किलो सेल कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं तो अपने आप 6 हो जा रहा है, या अपने आप वो घट करके अगर 5.4 किलो है या 5.2 किलो है तो वो घट करके 5 रह जा रहा है। ये क्या समस्या है, इससे कैसे निजात पाई जाए, आज का सवाल यही है। ठीक है, आइए देखते हैं, शायद आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ रही हो तो ये दिक्कत 100% होने वाली है सॉल्व। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, यहां पर जब हम क्रिएट पे जाते हैं तो क्रिएट पे जाकर के ही हम कोई स्टॉक आइटम बनाते हैं या यूनिट बनाते हैं, तो यूनिट बनाते हैं, स्टॉक आइटम भी बनाने के पहले हम यूनिट ही बना लेते हैं। तो यहां यूनिट पे आते हैं और यूनिट में हम क्या बनाएंगे, किलो बनाएंगे, और यहां पर आएंगे तो इसका फॉर्मल नेम किलोग्राम कर देने वाले हैं हम, तो ये हो गया किलोग्राम, एंटर कर देंगे। और यहां के प्रेस करेंगे तो इसका जो भी यूक्यूसी कोड होता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, यूनिट क्वांटिटी कोड बोलते हैं, और ये यूनिट क्वांटिटी कोड हमें नजर आएगा किलोग्राम्स के नाम से। तो यहां किलोग्राम्स को आपको नेविगेशन की मदद से सेलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। ठीक है, और यहां पर क्या करते हैं लोग ना, यहां पे जीरो रख देते हैं। अब ये समस्या आपको क्रिएट करेगा, ये जीरो रखना आपके लिए कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदायक है, इसी का आज का ये वीडियो है। बाहर आते हैं, बाहर आने के लिए आपको एस्केप बटन प्रेस करना है। मालूम ही है कि एस्केप बटन कहां होता है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में, सबसे ऊपर टॉप साइड में कीबोर्ड में आपको ये इसके बटन दिखता है, तो वहां से ESC यानी इसके बटन को प्रेस कर दीजिए। दो बार प्रेस कीजिएगा, आप वापस टैली की मेन मेन्यू यानी कि गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं तो यहां पर कहानी शुरू होती है, किस चीज की, परचेज एंट्री की। तो यहां पर हम करते हैं, परचेज का हमें बिल मिला होगा। ठीक है, अगर आपके पास परचेज का बिल आया हुआ है तो उसी की एंट्री यहां करेंगे। तो सपोज कीजिए वो बिल नंबर हमारा 453 है, जो बिल मिला है उसी की एंट्री कर रहे हैं हम। यहां पर आएंगे, यहां पर आने के बाद वो डेट आएगी, तो आप डेट यहां से चेंज कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, फिलहाल यही रखते हैं। नीचे आते हैं, मान लीजिए कि ये परचेजिंग जो है कैश में ही हुई है, उधार की कोई बात ही नहीं है, उधार की बात होगी तो हम यहां एक नया लेजर सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी के ग्रुप में क्रिएट कर लेंगे, जो भी दुकान का नाम होगा, जो भी होलसेलर पार्टी का नाम होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये परचेजिंग कैश की ही है। ठीक है, तो यहां पर आपको कैश कर लेना है तो कैश कर लीजिए, आगे बढ़िए, एंटर करिए, एंटर करिए, इसको एक्सेप्ट कराइए। एक्सेप्ट कराने के बाद यहां पर आइए, इसे रेगुलर रखिएगा और एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा लीजिए। यहां पर जैसे ही आते हैं ना, तो यहां पे क्रिएट नाम का एक ऑप्शन नजर आता है, यहां पर देखिए ये क्रिएट नजर आ रहा है, क्रिएट पर जाकर के एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करते हैं तो एक ये लेजर क्रिएशन वाली विंडो ओपन होती है, तो यहां आएगा परचेज का लेजर, तो यहां लिख दीजिएगा परचेज और A/C यानी अकाउंट, ये लिख करके इसका ग्रुप जरूर सही सेलेक्ट कीजिएगा, ग्रुप गलत कर देंगे तो पूरी मेहनत पे फिर जाएगा पानी। तो यहां पर आपको P प्रेस करना है, क्योंकि परचेज अकाउंट का ग्रुप होता है परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट के ही ग्रुप में इसे डालना है। तो नेविगेशन की मदद से परचेज अकाउंट सेलेक्ट करके आगे बढ़िएगा, एंटर एंटर करके इसको भी करवा लीजिएगा एक्सेप्ट, जैसे कि मैं करा रहा हूं, और लास्ट तक आपको एंटर 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 करते चले जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको एंटर कर देना है। अब ये हो गया, अब यहां पर एक स्टॉक आइटम हम बनाएंगे और यूनिट तो हम बना ही चुके हैं, तो यहां पे लिखेंगे RICE राइस। अब राइस बिकेगा तो किलो में, ठीक है, हो सकता है कि क्विंटल में भी बिके, लेकिन यहां पर फिलहाल हम किलो रखेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसका ग्रुप बना सकते हैं, ग्रोसरी के अंडर में इसे डाल सकते हैं, तो यहां पर क्रिएट पे जाके यहां लिख दीजिएगा ग्रोसरी। ग्रोसरी का मतलब होता है जो भी किचन वाले आइटम होते हैं उन्हें हम ग्रोसरी की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रोसरी, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराएंगे लास्ट तक। ये एक्सेप्ट हो गया, और यहां किलो वाला जो यूनिट बनाया था ना स्टार्टिंग में, आपको याद होगा यूनिट पर जाकर के हमने यूनिट बनाया था, वो यही यूनिट नजर आ रहा है, तो यहां पर किलो रख दीजिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहां पर हमें मान लीजिए कि 5.5 किलो चावल परचेस करना है, वैसे इतना कम अमाउंट में परचेस नहीं करेंगे, चलिए 50.5 किलो करते हैं, यानी 50.5 किलो, तो 50.5 करते हैं, और जैसे ही यहां पर एंटर करते हैं तो ये 51 हो गया, ये क्या हो रहा है। चलिए इसको हम और कम कर देते हैं, शायद अमाउंट कम कर देने से हो जाए, तो 50.4 किलो कर देते हैं, तो 4 किलो कर दिया और एंटर किया, तो ये तो 50 ही किलो हो गया। अब ये क्या चक्कर है, यहां पर ये
ऑटोमेटिक राउंडिंग कैसे हो जा रहा है, और अगर हमें वही अमाउंट एंटर करना है तो क्या हम वो अमाउंट अब एंटर नहीं कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल कर पाएंगे, थोड़ी सी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ये चीज सही करने के लिए। अब ये चाहे सेल्स में करिए या परचेज में करिए, बात वही है। जैसे 50 किलो अगर मैंने यहां पे कर दिया और 1 किलो चावल की परचेजिंग रेट 30 रुपए है, तो ये तो आ गया यहां पर, और एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे आप। अब जब सेल करने जाएंगे तो भी यही तमाशा रहेगा आपका। ठीक है, देखिए यहां पर सेल्स में भी अगर हम कैश में सेल कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं और एंटर एंटर करके यहां तक आएंगे और एंटर कर लेंगे, और यहां पर सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा। तो ये देखिए, ये जो क्रिएट ऑप्शन नजर आ रहा है ना, यहीं पर हमारा कर्सर है। आप चाहे तो शॉर्टकट की मदद ले लीजिए ये लेजर क्रिएट कराने के लिए। किसका लेजर? सेल्स का। या फिर आप क्रिएट पर ही हैं, सीधा एंटर कर दीजिए, शॉर्टकट की अल्ट सी हो जाएगा, अदरवाइज क्रिएट पे क्लिक करके तो आ ही जाएंगे। तो यहां पे सेल्स अकाउंट लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गया सेल्स अकाउंट। अब क्या करना है? एंटर करना है, एंटर करना है। ग्रुप क्या रहेगा? वही सेल्स अकाउंट। तो एस प्रेस करते ही एस वाले सारे ग्रुप हमारे सामने हाईलाइट हो जाएंगे। यहां पर सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करके एंटर करके एंटर करके और एंटर करके लास्ट तक आपको एंटर 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 करते आना है। ठीक है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। और अब नेम ऑफ आइटम यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो करना क्या है? अल्ट के साथ सी प्रेस करना है, और यहां पर चूंकि अल्ट के साथ सी भी क्यों प्रेस करना है, सेल्स में तो लेजर ही नहीं बनता है, हमारे पास राइस है ना, इसी को ले लेंगे। और राइस को भी अगर हम मान लीजिए कि 4.5 किलो सेल करना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिक 5 किलो बन जा रहा है। बड़ी समस्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, आखिरकार इसका सोल्यूशन कैसे होगा? तो देखिए, अगर आप डायरेक्टली यहां पर अल्टर पे जाके और यूनिट पे जाएंगे, देखिए तरीका तो यही है, यूनिट पे जाएंगे, सही करने का तरीका यही है, और यहां केजी को अल्टर करेंगे और यहां पर जाकर के और यहां पे 3 करने की कोशिश करेंगे, तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आपका अब जो है क्या हुआ, ये जो है राउंडिंग हो गई, इसकी 3 हो गई। ठीक है, अब 3 हो गया तो क्या होगा? अब आप जब जाएंगे ना यहां पे, देखिए अब आप जब जाएंगे सेल करने के लिए या परचेस करने के लिए, तो ये आसानी से, अभी देखिए सेल कर रहा हूं, तो सेल करने के लिए यहां जाएंगे, एंटर 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 करेंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, यहां सेल्स अकाउंट ही आएगा। अब यहां पे राइस लेते हैं। अब मान लीजिए राइस 1.5 किलो बेचना है, तो 1.5 kg का मतलब हो जाएगा 1.5 किलो। अब देखिए ये पूरा राउंडिंग हो जा रहा है और 3 अंकों तक ही राउंडिंग हो रहा है, देखिए यहां पर। तो ये फायदा है, अब इसको 50 रुपए किलो बेचिए, 60 रुपए किलो, जितना बेचना है बेच सकते हैं, और ये राउंडिंग भी होता चलेगा, और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट भी करा सकते हैं, देख रहे हैं। तो ये आप गलती कर रहे थे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। कोई भी यूनिट बनानी है तो आप ये ध्यान रखिए, अच्छा ये भी ध्यान रखिए कि यूनिट बना करके और गलत एंट्री कर जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने इसमें तो राउंडिंग हो, मतलब राउंडिंग हमने 0 दिया था, फिर बाद में 3 दे दिया तो एक्सेप्ट कर गया, लेकिन कहीं कहीं दिक्कत क्या होती है, कई बार एंट्रीज हम पास कर जाते हैं कई सारी, और उसके बाद उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ये चेंज नहीं होती है, दिक्कत करता है। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं इससे 100% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।